हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा लहर वाला डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। ये लहरिया डिजाइन है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको बनाने के लिए आपने 3 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं, प्लस कर लेना है 2, दो आपने एक्स्ट्रा एज स्टिच रखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाए हैं 29 स्टिचेस, 29 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं, 3 से गुणा करके 27 और प्लस उसमें 2 करके 29 फंदे मैंने डाले हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली रो सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला फंदा इसमें सीधा उतारा, फिर देखिए अब आगे वाले जो 3 फंदे हैं, 1 2 3, अब इसमें जो तीसरा फंदा है उसको हम पीछे की तरफ से बनाएंगे। इस तरह से सिलाई को डालेंगे और इसको पीछे की तरफ से बनाएंगे। इस तरह से देखिए, पीछे की तरफ से सिलाई डाली और इसको हम बना लेंगे। इस तरह से बनाया, अब दूसरे फंदे को बनाएंगे। पहले फंदे को नहीं बनाएंगे, पहले हमने तीसरा बनाया, अब हम दूसरे फंदे को बनाएंगे। इस तरह से देखिए, दूसरे फंदे को पकड़ा और फिर उसको भी पीछे की तरफ से सीधा बना लिया, दूसरे को बनाया। अब हमने ये तीनों फंदे सिलाई से उतारने हैं। इस तरह से देखिए, अब जो पहला फंदा हमने नहीं बनाया था उसको हम पीछे ले जाएंगे यूं, और फिर इसको भी सीधा बना लेंगे। इस तरह से देखिए, ये 3 फंदे। अब यही 3 फंदे हमने बार बार पूरी रो में यही करते रिपीट करते जाने हैं। देखिए, 3 फंदों में पहले तीसरे फंदे को पीछे की तरफ से सिलाई डालते हुए बना लेंगे। ये पहले ये बना लिया, अब दूसरे फंदे को बनाएंगे, दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे इस तरह से, फिर दोनों को, ये तीनों फंदे हमने पहले सिलाई से उतार लेने हैं, फिर ये जो पहला फंदा है इसको पीछे ले जाकर हम इसको भी सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, और पूरी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर ली है। पहले तीसरे फंदे को बनाएंगे, फिर देखिए, फिर दूसरे फंदे को बनाएंगे, अब ये तीनों फंदे सिलाई से उतारेंगे और पहला फंदा पीछे ले जाकर इसको भी आगे की तरफ से सीधा बना लेंगे। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। तो देखिए, पहली रो मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है, लास्ट का फंदा मेरे पास बचा है, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो 2 में रॉन्ग साइड से, तो दूसरी रो उल्टी तरफ से देखिए, पूरी हम उल्टी बनाएंगे, और इसके बाद जितनी भी रॉन्ग साइड की हमारी रो पड़ेंगी वो हमने उल्टी ही बनानी है। डिजाइन हमारा सिर्फ सीधी तरफ से ही पड़ता है, बाकी रॉन्ग साइड से हमने सारी रो उल्टी ही बनानी होती है। तो आप इस रो को उल्टा बना करके कंप्लीट कर लीजिए। तो अब आ जाइए रो 3 में राइट साइड से, तीसरी रो सीधी तरफ से। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें पहला फंदा सीधा उतारा, अब देखिए जो आगे वाले 3 फंदे हैं उसमें पहले हम ये तीसरा फंदा बनाएंगे, लेकिन अब हम ये आगे की तरफ से यूं सिलाई डालते हुए बनाएंगे। पहले तीसरा फंदा बना लिया इस तरह से, फिर पहला फंदा बनाएंगे, पहला फंदा बना लिया, इसको सिलाई में से उतार देंगे, फिर दूसरा, फिर ये दूसरा फंदा भी बना लेंगे, फिर अब ये तीनों फंदे हमने सिलाई से उतार देने हैं। अब यही हमने रिपीट करना है, फिर से देख लीजिए, आगे वाले 3 फंदों में पहले तीसरा फंदा आगे की तरफ से बना लेंगे, फिर पहला फंदा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे और इन तीनों को सिलाई में से उतार देंगे। इसी तरह से हमने पूरी रो में करते जाना है। पहले तीसरा फंदा बनाएंगे, फिर पहला फंदा बनाएंगे, फिर पहला फंदा सिलाई से उतार देंगे, फिर दूसरा फंदा बनाएंगे और उसको भी सिलाई से उतार देंगे, दोनों फंदे फिर सिलाई से उतार देंगे, और इसी तरह से पूरी रो आपने ये कंप्लीट करनी है। पहली रो में देखिए, हम पहले ये 3 फंदों में ये पहला फंदा बनाते हैं पीछे की तरफ से, फिर दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर ये तीसरा फंदा हम बाद में बनाते हैं, दोनों फंदे को छोड़कर फिर बाद में तीसरा फंदा बनाते हैं। तो इसी तरह से देखिए, आपने पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। लास्ट का फंदा आपने ऐसे ही सीधा
बना लेना है। तो रो फोर अब हमने रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बना लेनी है। तो रो फोर भी मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है। अब रो फाइव में आ जाइए। तो रो फाइव राइट साइड से पूरी हमने ये सीधी बनानी है। ये पूरी रो हमने सीधी ही बनानी है, सीधी बना करके कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद रो सिक्स हमने रॉन्ग साइड से उल्टी बना ली। तो देखिए सिक्स रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिजाइन यहाँ पर ये ओवर हो जाता है। अब जैसे जैसे हम डिजाइन को बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ये लहर या डिजाइन और भी खिलता जाएगा। तो रो वन से लेकर रो सिक्स तक ही आपने कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह से नए नए डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।